हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ केरल राज्य का एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन वेनाड। वैसे तो वेनाड में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ आप अपने फर बेबीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बानासुरा डैम से। ये डैम ट्रिब्यूटरी ऑफ काबिनी रिवर पे बनाया गया है। जब ये डैम बनाया गया तब नदी का पानी इधर ही रुक गया, तो उसके वजह से ये लेक बन गया। इस लेक में आपको ढेर सारा आइलैंड देखने को मिल जाएगा, बट वो एक्चुअली में आइलैंड है ही नहीं। इस एरिया में बहुत सारे हिल था, जब वो लेक बना तो वो सब हिल लेक के अंदर चला गया। उसके बाद उसका जो ऊपरी भाग है वही आपको ऐसे आइलैंड दिख जाएगा। और ये एक ओपन लेक है, तो आप अपने फर बेबीज के साथ जितना देर चाहे इधर रुक सकते हैं और इस लेक का खूबसूरती एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इधर आप अपने बच्चों के साथ स्विम भी कर सकते हैं, पानी बहुत साफ है इधर की। नेक्स्ट है पेरुमथट्टा व्यू पॉइंट। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ये जगह बहुत ही सुंदर है, इधर से आपको चारों ओर सिर्फ आपको चाय बागान दिख जाएगा। लेकिन ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, तो आपको इधर कोई भी टिकट काउंटर या फिर टी स्टॉल नहीं मिलेगा। तो भीड़ भाड़ का तो कोई बात ही नहीं है, इधर कोई भी क्राउड नहीं मिलेगा आपको। आप एकदम आराम से अपने फर बेबीज के साथ इधर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इधर का खूबसूरती एंजॉय कर सकते हैं। लकीली हम लोगों को इधर बहुत सारे टी गार्डन वर्कर मिल गए और इन्होंने हमें दिखाया कैसे चाय पत्तियों को छाटा जाता है और आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट है आपका लिग्डी व्यू पॉइंट। इस व्यू पॉइंट से आपको 9 हेयरपिन कर्व्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऊपर से लिग्डी सिटी पे जाने के रास्ते पे आता है। ये वेनाड की एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, बट ये ओपन है तो आप अपने फर बेबीज के साथ इधर आराम से जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इधर बहुत सारे मंकीज है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो आपके फर बेबीज को कुछ करना दे। नेक्स्ट है आपका चेम्बरा पीक। इधर से आपका बहुत ही अच्छा चाय बागान का व्यू मिल जाएगा। इधर से एक ट्रैक भी स्टार्ट होता है चेम्बरा टॉप तक। उधर जाते हुए रास्ते पे आपको एक हार्ट शेप सुंदर लेक भी मिल जाएगा। हम लोग तो गए नहीं, लेकिन अगर आप ट्रेकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। आपको करीब करीब 2.5-3 घंटा लग जाएगा। इधर देखिए ब्लैकबेरी को खड़े होके कैसे अपना फोटो शूट करवा रहे हैं। लेकिन पता है इनका फोटो लेना बहुत मुश्किल है। हम कभी भी फोटो लेने जाते हैं ना तो घूम जाते हैं, कोई भी फोटो ठीक ठाक आता ही नहीं है। अब देखिए फोटोशूट करवा के कैसे चाय बागान में घूमने निकले हैं। और मौसम भी इधर बहुत अच्छा था, तो ब्लैकबेरी ने तो खूब एंजॉय किया। नेक्स्ट है कारापुजा डैम लेक। ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट अर्थन डैम है। ये डैम को बनाने की वजह से जो पानी रुक गया है, इसके वजह से ये लेक बन गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही सुंदर लेक है और इसके चारों ओर घास का मैदान है, तो आप अपने फर बेबीज के साथ इधर खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम लोगों ने तो एक पीसफुल जगह पे 1 घंटे से ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर दिया और हम लोगों को पता भी नहीं चला। सबसे अच्छी बात वेनाड का ये है कि आप कहीं भी चले जाइए, एक लोकल घूमने को निकल जाइए, आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा। जैसे हम लोग जब लोकल घूम रहे थे तो हमको ये रबर प्लांटेशन मिल गया। मैंने तो लाइफ में ये फर्स्ट टाइम देखा कैसे रबर प्लांट को काट के ड्रॉप ड्रॉप करके रबर को निकाला जाता है। और ये सब कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, आप लोकल में घूमेंगे तो आपको ये सब ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। जैसे हम लोगों को और भी जैसे कॉफी प्लांटेशन, उसके साथ साथ स्पाइसेस का बहुत सारे प्लांट देखने को मिल गया। अब
अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रेकिंग पसंद है तो वेनेट के बाहर थोड़ा आउटर साइड में एक फैंटम रॉक बोल के जगह है, आप उधर जा सकते हैं। पार्किंग एरिया से करीब करीब आधा घंटा लगता है, आप बोल्डर के रास्ते से उधर पहुंच सकते हैं। वेनेट का और एक खास बात ये कि आपको इधर कहीं पे भी बहुत सारा वाटर बॉडीज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि झील, तालाब। शहरों में तो ये सब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इधर आएंगे तो ये सब बहुत एंजॉय कर सकते हैं। देखिए ब्लैकबेरी ये नेचुरल ब्यूटी कैसे एंजॉय कर रहा है, इन दोनों को ऐसे नेचुरल जगह बहुत पसंद है। देखिए फिर से इन लोगों का फोटो सेशन स्टार्ट हो गया। एक्चुअली ब्लैकबेरी को ऐसे नए नए जगह पे जाके नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है, ये लोग ये सब चीज बहुत एंजॉय करते हैं और लोग भी इनके साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। ये सब देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी कोई ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं जहां आप अपने पेट के साथ एंजॉय कर सकते तो वेनेट आपके लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट है, क्योंकि इधर टूरिस्ट साइट से ज़्यादा नेचुरल साइट से तो आप अपने पेट के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी टोकने वाला नहीं है कि पेट्स आर नॉट अलाउड। अगर आपको भी ये जगह अच्छा लगा हो तो अपने बच्चों के साथ इधर घूमने ज़रूर आइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।